उनके साथ मीट करने के लिए भी जाएंगे, ठीक है। ये देखो हमारे सैदुल भाई। नहीं नहीं, उसको तुझको लेके नहीं नहीं लेके जाऊंगा। जा 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 जम कर। हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 87 और व्लॉग 87। तो फिलहाल अभी तो सुबह का पता नहीं कितना हो रहा है, तो अभी हम ना गाइस एक्चुअली थोड़ा इधर घूमने नहीं, थोड़ा काम से निकले, ठीक है, और सोचा कि आपको भी दिखा दूँ और सुबह सुबह ब्लॉग इधर ही शुरू करते हैं। आज पूरा जंगल, चारों ओर जंगल। एक बार ये लोकेशन देखो, आप देखो किधर से हम जा रहे हैं, और पूरा इसी टाइप का लोकेशन है, ठीक है ना। और कल का जो ब्लॉग है वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, एडिट नहीं किया, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। अपलोड तो छोड़ो, इधर तो फेसबुक ही ओपन नहीं हो रहा है, इतना स्लो है ना भाई साहब। रोड देखो गाइस, इधर कोई सोच भी नहीं सकता कि इधर कोई जाने का रास्ता है। हम लोग जा रहे हैं, क्या ही रोड है। बहुत सारे लोग हैं ना जो गांव को बहुत अच्छा लगता है, तो एक बार देखो आप लोग, ये पूरा गांव पूरा एकदम पूरा देसी है गाइस, पूरा देसी है। अभी लोग मुझे नोटिस करेंगे, ठीक है ना, लोगों का रिएक्शन आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखो पीछे क्या कर रही है। रोके, ये हमारा रोके, रोके बोलो, रोके। हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, बोलो बोलो। ये देखो प्लीज सब्सक्राइब। बुरा मान गया, बुरा मान गया। पता नहीं वीडियो स्टेबल हो भी रहा है या नहीं। चढ़ा है ना भाई, पैर पे दर्द हो रहा है। उफ, देखो एक बार देखो कितनी थोड़ा ये वीडियो पे एक्चुअली समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत तरह आप हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक ये जैकेट क्यों लगा रखा है इतना धूप में भी, लेकिन क्या ही बताओ इधर इतना ठंड है ना, इस धूप में कुछ नहीं है इतना ठंड के आगे, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। इधर एक मंदिर है काली माता का, इसको कालीबाड़ी के नाम से जाना जाता है। तू हंस क्यों रही है? हंस क्यों रही है? क्या सिर्फ बोलती रहती है और हंसती रहती है। ये देखो इधर एक प्यारा सा गाय, गाय ये है मम्मी, ये है इसका बच्चा, इसका नाम क्या है? जुई, इसका नाम जुई है, जुई। तो अभी ना हम लोग ये जो कल का ब्लॉग है तो उसको अपलोड करने के लिए जाएंगे इधर से 8 या 10 किलोमीटर दूर, वो भी पैदल। मैं और पैदल नहीं, स्कूटी लेके चले जाएंगे, मैं और विशाल जाएंगे। नहीं नहीं, उसको तुझको लेके नहीं लेके जाऊंगा। नहीं नहीं, तू जा अकेले जा, तू, मैं और विशाल जाऊंगा स्कूटी लेके, उसको जाके उसको अपलोड करके आएंगे। तुझको नहीं ले जा रहा मैं। वो देखो इधर एक आप देखो, कैमरा पे समझ नहीं आता लेकिन आगे ये क्या करती रहती है पागलपन। आगे मतलब बहुत सारा आप है, पैर भी दर्द हो रहा है भाई साहब, इतना आप है ना। लो आगे है हम, हमारे धोलोई छुड़ा के मेन रोड पे, मेन रोड नहीं मतलब जो एक्चुअली मेन रोड ही बोल सकते हैं इधर इसका। आगे क्या? अरे नहीं रे बाबा, और भी अंदर है, मुझे लगा आ गए। अभी हम जा रहे हैं घर पे, और उसके बाद वीडियो एडिट करूंगा, उसके बाद वीडियो अपलोड करने के लिए जाऊंगा सुभाष नगर जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। उसके बाद जाऊंगा एक जो मैंने कल बोला था ना कि मेरा जो फ्रेंड्स है, जितना भी हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो लोग आर्मी लवर्स है, तो उनके लिए एक स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो हम एक्चुअली जाएंगे जो रेसर सैदुल है ना भाई, जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है और बहुत पॉपुलर भी है, और जो वो भी आर्मी लवर है, मोटिवेशन वीडियोस वगैरह बनाता है वो, एंड आर्मी के अच्छे अच्छे अपडेट्स वगैरह देते हैं वो, उनके साथ मीट करने के लिए भी जाएंगे, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है भाई, उनके इधर जाएंगे तो वो ब्लॉग और भी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इधर तो इतना शूट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इतना लंबा हो गया तो आप लोग तो देखोगे नहीं, इसीलिए
तो उनके साथ मीट करूंगा। बहुत ही खास होने वाला है ये ब्लॉग, तो देखना बहुत सब लोग, कोई भी स्किप मत करना ठीक है, क्योंकि मेरा इस ब्लॉग का कुछ अता पता नहीं है, कब मिल जाऊंगा, कब मीट करने के लिए चला जाऊंगा, कब अपलोड करने के लिए चला जाऊंगा, कुछ पता ही भी नहीं चलेगा अगर आपने स्किप कर दिया तो। इसीलिए बोल रहा हूँ स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखना ठीक है। तो गाइस अभी मैं और विशाल आए थे सुभाष नगर, हमारा जो कल का ब्लॉग है इसको अपलोड करने के लिए, और इधर भी ना नेट इतना स्लो है, 1 Mbps की स्पीड पे भी नहीं चल रहा है, और अभी आई थिंक एक घंटा तो बैठना पड़ेगा भाई साहब। क्या ही बताओ अभी क्या यार, मैं सोच रहा हूँ फालतू में आया मैं, लेकिन क्या हुआ आपको तो अच्छा अच्छा ब्लॉग्स देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये देखो इधर एक छोटा सा जो नाला टाइप कुछ है, देखने में तो बहुत बढ़िया है। नीचे जाया जाए क्या, रोड है, नीचे जाने का रास्ता है क्या? नीचे जाने का रास्ता नहीं है, नहीं तो नीचे चलता आपको दिखाता। घर से 10 किलोमीटर दूर आके ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, और अगर आप लोग लाइक नहीं करते यार, सपोर्ट नहीं करते, कैसा फील होता है भाई देखो आप खुद ही समझो। घर से 10 किलोमीटर दूर आके मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ भाई। तो गाइस मैं तो जिनके बारे में बात कर रहा था ना, तो मैंने बोला था कि उनके घर पे जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, लेकिन एक कोइंसिडेंस हो गया, और ये देखो हमारे सैदुल भाई तो इधर ही है। एक्चुअली हम मैंने तो बताया था ना कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने ब्लॉग अपलोड, कल का जो ब्लॉग आपने देखा वो अपलोड करने के लिए मैं गया था, और अब भी मैं आ रहा था ना, और अचानक से भाई को, मतलब भाई का घर इधर पास ही में है, तो अभी भाई दिख गया मुझे, और अभी भाई से देखा बहुत सारा बातें वगैरह कर रहा हूँ, बातें बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतना दूर से मिलने के लिए आए हैं, तो मतलब अलग सा लग रहा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना मेहनत करके मत आओ, इतना दूर है, कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर है, तो इतना दूर से अगर मुझे पता होता मैं खुद आ जाता मिलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सिलचर में जाता हूँ तो काफी सारे भाई लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है, वैसे प्यार देते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हमें भी अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे तो एक्चुअली पता नहीं है ना कि आप सिलचर कब जाते हो या नहीं जाते हो, इसीलिए तो हम काम के लिए जाते हैं, ऐसे भी कल भी मेरा एग्जाम है, कल भी जाऊँगा मैं फिर सिलचर, तो वही है ना कि एक्चुअली मेरा घर जो चाचा का घर है, तो मैं आया था, तो एक्चुअली मैं आया था आपसे मीटअप करने के लिए, अच्छा, अच्छा। तो उनका भी घर है, इसलिए आ गया कि एक दिन तो टाइम मिलेगा मतलब आपको ढूंढने के लिए इसीलिए तो नहीं मैं सुबह से इधर ही काम कर रहा था सुबह से। अच्छा मुझे तो आपका घर वगैरह कुछ पता भी नहीं, इसको बोल रहा था उसको, उसने बोला कि उसको भी कुछ मतलब परफेक्ट पता नहीं है। चलो कोई है, बढ़िया है, और भाई। इन भाई को भी सपोर्ट करते रहो यार, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, जैसे कि मैं वीडियोज बनाता हूँ मेरा वीडियो शॉर्टकट में बन जाता है क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीच करता हूँ, लेकिन जो ब्लॉग बनाता है भाई उनको बहुत मेहनत लगता है, बहुत दूर जाता है, मतलब अलग अलग जगह दिखाते हैं, भाई का मोटिवेशन एकदम नेक्स्ट लेवल लगता है मुझे पूरा रूह। बस आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और ब्लॉग जो बनाता है भाई वो बहुत ही मेहनत लगता है ब्लॉग वीडियो बनाने में, क्योंकि अलग अलग जगह में जाना पड़ता है, अलग अलग प्लेस दिखाना पड़ता है, कुछ अलग यूनिक दिखाना पड़ता है, इसके लिए मेहनत लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है, तो सपोर्ट करिएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करते तो अच्छा लगता है। भाई का बोलने का स्टाइल तो मुझे और भी अच्छा लगता है, मतलब इतना स्पीड से बोलता है भाई नेक्स्ट लेवल एकदम। तो कैसा लगा भाई आपको? बस बढ़िया लगा यार, इतना दूर आप से ऐसा वीडियो बनाते जाओ, हमको मोटिवेट करते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम है सिर्फ मोटिवेट करना है, हम करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सिलचर से मेरे जो फ्रेंड है जो आर्मी लवर्स है, वो भी मेरा तो ब्लॉग देखते, एक्चुअली मेरा ही फ्रेंड है, तो उन लोगों के लिए भी एक सरप्राइज मैंने जो बोला था, तो आप लोगों मतलब आपसे बहुत सारे लोगों ने, मेरा फ्रेंड ने फोटो वगैरह खींची है। हाँ बहुत फोटो खींचते हैं मैं जब भी, तो वो लोग तुम लोग देख रहे होगे तो बहुत ही खुश होंगे भाई। तो सपोर्ट करते रहिए, बहुत मेहनत करता है, एसपी ब्लॉग सिलचर वीडियो बनाता है, तो भाई को सपोर्ट करिएगा जरूर। थैंक यू भाई, तो फिर मिलता है दोस्त, सपोर्ट करिएगा, बाय। जय हिंद गाइस, अभी तो पूरा देखो शाम का टाइम है ठीक है, और सैदुल भाई के साथ हमने मीट करने के बाद, और मैंने शूट किया नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि शाम को शूट करेंगे, इसीलिए तो मेरा जो काम था मतलब मैं जिसलिए आया था तो वो तो सक्सेसफुल रहा, तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड मैंने जैसा कि सोचा था कि दिखाते लेके जाऊंगा ठीक है, लेकिन कोइंसिडेंस के थ्रू भाई को रोड पे ही मिल गए, मतलब भाई कुछ काम कर रहा था तो उस पर ही मिल गया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को तो पता ही है, जो सैदुल भाई का व्यूअर्स है उनको तो पता है कि भाई कैसा इंसान है, एक्चुअली कैसा इंसान, मतलब भाई मतलब एकदम फर्स्ट क्लास इंसान है भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और भाई का बोलने का स्टाइल और मोटिवेट करने का तरीका और मोटिवेशनल वीडियोस, वो भाई सब नेक्स्ट लेवल। तो जो भी हो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड और आप में से बहुत सारे लोग, क्या सभी लोग आई थिंक जानते होंगे, तो नहीं जानते सैदुल भाई को, आप लोग जाओ, इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके भाई को थोड़ा सपोर्ट करना। देखो भाई मैं सैदुल भाई के सामने मैं एक बहुत ही छोटा इंसान हूँ ठीक है, बहुत ही छोटा ठीक है,
और मेरा तो इतना फैन फॉलोइंग है भी नहीं, लेकिन क्या है ना, देखो अगर आप लोगों को पसंद लगे तो जितना भी है यार, एक दो व्यूअर्स भी सही, आप लोग जाओ जाके उनका चैनल को चेकआउट कर लो। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब भी कर देना, मेरे तरफ से तो भाई को फुल सपोर्ट है। तो फिलहाल अभी देखो हम ऐसे घूम रहे थे यार, सोचा कि थोड़ा खेत पे जाके घूमते, लेकिन इधर पूरा कीचड़ है, कैसे जाओ अभी बताओ, ऐसे ऊपर से भी नहीं जा सकते है ना घूम के, उधर जा सकते क्या, चलो कोशिश करते। लोगों ने इधर धान काट के रखा है ना, धान मतलब कि राइस का जो पौधा होता है ना, राइस चावल वही है। एक बार देखो आप लोग, ये देखो लोगों ने कट करके रखा है, ये देखो इससे बनता है चावल। जो मेरा लोकल व्यूअर्स है उनको तो पता है, जो बाहर से उन लोगों को तो नहीं पता, तो उनके लिए भी चलो आप लोगों को पता चल गया। वो क्यों चिल्ला रही है भाई पीछे, छोड़ो उसको, इग्नोर करो, आने दो। ये देखो चुड़ैल लोगों के खेत से धान चुरी कर रही है, पूरा चोर है ये, देखो कैसे चोरी करके आ रही है। ऐसा चोर को क्या करना चाहिए बताओ। अच्छे रोड पे आ गए, रोड नहीं मैं बोल रहा हूँ रोड, जैसे कि हाईवे है ये। आज तो भाई मजा ही आ गया भाई, बहुत अरे मैं गिर गया था, बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि भाई के साथ एक मीट करना है। चलो फाइनली हो गया मीट। विशाल मुझे ये बता कि ये जो धान है ये ऐसा सो क्यों जाता है, मतलब ये लोग करते या ऑटोमेटिकली हो जाता है? ऑटोमेटिक नहीं, ये जो धान है ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। अच्छा, ये जो धान है इसका जो वेट है वो ज़्यादा होने के कारण ये ऐसा नीचे हो जाता है, बैठ जाता है, और ये तो परेशानी होगा ना इसको काटने के लिए, बहुत तकलीफ होता है भाई। चलो मुझे लगा ये लोग ऐसा करते, ये भी देखने में बहुत यूनिक चीज़ लगता है। अभी देखो हम किधर से जा रहे हैं, ये एक छोटा सा टीला है, टीला, ये देखो ये एक तालाब है, तो थोड़ा बड़ा तालाब है, तो इस पर फिशिंग किया जाता है, ठीक है। इधर लोग मछलियों को पाल के बड़ा होने के बाद सेल किया जाता है, इधर नहीं भात जो हम खाते हैं ना, लोकल मांस बोल के मछली, लोकल मांस हमारा लोकल लैंग्वेज से बोलते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे बोला। यार मैं आपको आप लोगों को ना ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेके दिए, ठीक है, लेकिन यार आप लोगों भी लेकिन आप लोगों को करना चाहिए ना, आप लोग जाके इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, जंप कर इधर से, जंप कर। अभी देखो ये जंप करेगी, नीचे गिर गया तो अच्छा होगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। जा जंप कर, तू मत आ, तू इधर रह, जा नीचे, लेट मत कर, तू इधर से ही जा, अरे घूम के आ जा ना। कैसा लड़की है भाई, सच्ची में लड़की का जो ब्रेन होता है वो घुटनों पे रहता है। चलो ओ भाई साहब ये ब्यूटी देखो, जस्ट आप लोग वो जो मैंने उधर से आपको जो तालाब दिखाया था तो वो थोड़ा पास देख लो आप लोग, ये देखो ये कुछ नज़रिया बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अगर मेरे पास वो गोप्रो रहता ना तो कूल लगता देखने में, बहुत ही बढ़िया। ये देखो ये जो बेम्बो का ट्री मतलब बांसझड़ है ये कैसा हुआ है, देखो भाई साहब देखने में इतना बढ़िया लग रहा है ना भाई, कहीं नेक्स्ट लेवल, पूरा एकदम गेट के जैसा हो गया, मेरे पे इतना अच्छा नहीं आता लेकिन भाई इतनी बढ़िया मज़ा आ गया आज तो। गाइस अभी तो हम हमारी इधर आगे है, और आगे जो हमारा काली मंदिर है ना तो इस पर कीर्तन चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं अभी इधर जाके शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत शोर हो रहा है ना कीर्तन का, इसीलिए तो अभी तो अंधेरा हो रहा है, देखते और कितने टाइम ब्लॉक करता हूँ, कल के जैसा अगर रात को ब्लॉग करना है तो करूँगा, नहीं तो नहीं एंड कर दूँगा। तो गाइस आज का मैं अभी एंड कर रहा हूँ, और पता नहीं ये ब्लॉग आपको कैसा लगा होगा,
अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। और गाइस क्या है ना, सैदुल भाई को भी सपोर्ट कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, और उनका चैनल जाके प्लीज़ चेकआउट करना। बहुत ही अच्छा वीडियोस बनाते हैं भाई, मेरे तो मतलब दिल से अच्छा लगता है, दिल से मतलब क्या है, वर्ड से नहीं है मेरे पास, इतना अच्छा लगता है उनका मोटिवेशन स्पीच। तो इनका जो मोटिवेशन स्पीच है ना, नेक्स्ट लेवल भाई, कुछ वर्ड से नहीं है मेरे पास। तो जो भी हो, मेरा तो इतना सब्सक्राइबर नहीं है, जितना भी है जाओ थोड़ा जाके भाई को थोड़ा लव फ्रॉम एसपी ब्लॉग ऐसा कुछ कमेंट करके आ जाओ। मेरी तरफ से तो भाई को फुल सपोर्ट है, एंड आप भी सपोर्ट करो भाई को, एंड जो आर्मी लवर्स है तो वो ज़रूर सपोर्ट करना। आशाम शिलचर का ही बंदा है तो सपोर्ट करना तो बनता है भाई, हमारा लोकल का है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताना, एंड आज का क्या है ना, आज मैं अभी मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ क्योंकि कल भी आपको रात का ब्लॉग ही दिखाया था। आज आई थिंक ब्लॉग थोड़ा बहुत तो अच्छा हो ही गया होगा क्योंकि हमारा जो स्पेशल पर्सन था ब्लॉग पे, तो इसीलिए अभी मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मुझे पहले इंस्टा पे फॉलो कर लो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।